हेलो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस में सेमी वैल्यू काउंटर एंड फेक नोट डिटेक्शन विद फोर लेयर सिक्योरिटी फीचर्स। ठीक है, तो ये आपका नोट काउंटर है जो कि आपका यूवी एमजी आईआर एलटी चारों सेंसर के साथ आता है, साथ में फेक नोट डिटेक्शन की फैसिलिटी के साथ आता है। तो यहाँ हमने देखिए ये नोट लिए हैं 500 के। पहले 500 के नोट काउंट करते हैं। नॉर्मल काउंटर इस तरीके से चलती है, आपका पीसीस में आ जाएगा टोटल 142 पीसीस। ठीक, सेमी वैल्यू फंक्शन के लिए आपको वैल्यू प्रेस करना है। यहाँ 10 की वैल्यू आ रही है, एलसीडी लाइट डिस्प्ले है तो कैमरे से थोड़ा सा क्लियर नहीं नजर आता, लेकिन आंखों से सही क्लियर आएगा। जूम करके मैंने दिखा दिया, आपका 10 का वैल्यू आ रहा है। दोबारा प्रेस करेंगे 20 का, 500 की वैल्यू पे जाना है क्योंकि हमारे नोट 500 की वैल्यू सेट हो गई है। अब हम इसको काउंट करेंगे तो जितने भी पीसेस होंगे हमारी वैल्यू भी कैलकुलेट होगी। ठीक, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे हम ऐड प्रेस कर देते हैं तो ऐड ऑन भी होता जाएगा। जैसे कि हमारा पहला काउंटिंग हो रहा फर्स्ट टाइम, तो हमारा ये 42 है, इसी से टोटल 71,000 वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हम मान लीजिए नेक्स्ट गड्डी डालते हैं तो इसमें ऐड होता जाएगा। तो जहाँ तक का डिस्प्ले होगा वैल्यू उतने तक का शो करेगा। जैसे कि अभी मैं कुछ नोट दिखा रहा हूँ, थोड़े से नोट डाल देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू के लिए डिस्प्ले छोटा पड़ जाएगा तो लास्ट की डिजिट दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से ये ऐड ऑन होता जाएगा। अभी मैं पीसीस आपका टोटल दिखाएगा क्योंकि 4 डिजिट का डिस्प्ले होता है। तो ये देखिए मैं चेक कर देता हूँ। ठीक, तो आपका वैल्यू भी ऐड होता जा रहा है और पीसी भी ऐड होता गया। इसी तरीके से आप इसमें नकली नोट डिटेक्शन चेक कर सकते हैं। देखिए अभी 500 का नकली नोट नहीं है हमारे पास, तो मैं 100 का मिला दिया है खराब नोट नकली नोट। तो जैसे ही नकली नोट आएगा इसी तरीके से रोकेगी जैसे इस नोट पर रोका है। ये खराब नोट है, नकली नोट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन का कलर बदल गया, मशीन रुक रुक के भी दे दिया। अगर काउंटिंग के लिए स्टार्ट लगाना है तो हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही रफ था, स्मॉल साइज में मशीन है। अभी आप देखिए 100 के 20 नोट हैं और इसमें मैंने नकली नोट मिला दिया। अब वैल्यू यहाँ से हमें चूज करनी है 20 की। अब 20 की वैल्यू सेट हो गई, काउंट होगा। जहाँ भी नकली नोट आएगा मशीन रुक जाएगी। इस तरीके से नकली नोट आप निकाल लेंगे, आगे की काउंटिंग के लिए स्टार्ट लगाएंगे तो ये हमारी 2000 वैल्यू आ गई। दोबारा से हम दूसरी गड्डी डालते हैं तो ऐड ऑन भी हो जाएगा, यानी 4000 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बैच लास्ट फंक्शन है बैच। तो यहाँ हम सारी चीज़ें बंद कर देंगे, बैच से ऐड बंद हो जाएगा, वैल्यू से वैल्यू क्लोज कर देंगे, 0 पे आ गए, खत्म। ठीक है, अब हमारा क्या है बैच। बैच होता है 100-100 की गड्डी बनती है। तो देखिए 142 पीसीस है। जैसे मैं बैच प्रेस करूंगा यहाँ पे, ठीक, तो आपका कॉर्नर पे 100 का बैच आ रहा है। आप दोबारा बैच दबाएंगे 50 का आएगा, 20 का आएगा, 10 का आएगा। मान लीजिए 25 का दबाना है तो हमें 20 पे जाने के बाद प्लस प्रेस करना है, तो 25 हम प्रेस कर लेंगे। ठीक है, माइनस से कम होगा, प्लस से ज़्यादा होगा। फिलहाल हम 100 का बनाते हैं। ठीक, 100 का नॉर्मली 100 का बैच बनता है क्योंकि 100 का ही बंडल बनता है 100 पीसेस का। 142 पीसेस लिए हमने। देखिए 100 नोट काउंट होते ही आपका रुक जाएगी मशीन। इसका इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं, अगर आपको किसी को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट के नोट देना है तो आप 50 नोट 100 नोट करके छाट सकते हैं। ये देखिए 100 नोट काउंट होने के बाद मशीन स्टॉप हो गई, बाकी बचे हुए 42 पीसेस अलग हो गए। तो इस तरीके से आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती मशीन है। ठीक है, नॉर्मल जो बिल काउंटर UEMG के साथ आते हैं सिर्फ उसी रेंज में ये आपको मिल जाएगी। पर्सनल यूज के लिए स्मॉल साइज में कॉम्पैक्ट है, एक हाथ से उठ जाती है मशीन इजीली, आप देख सकते हैं साइज भी बड़ा नहीं है। तो अपने पर्सनल यूज के लिए, घर में यूज के लिए या अपनी छोटी शॉप है उसके लिए बेस्ट मॉडल है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। मशीन खरीदने के लिए आप AKS ऑटोमेशन में कॉन्टैक्ट करें, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, बाकी स्क्रीन पर भी कार्ड शो कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। जय हिंद, जय भारत।